सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कुसुम पांडे। आज मैं आप लोग को संस्कृत व्याकरण में पाठ एक पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है वर्णों का उच्चारण स्थान एवं माहेश्वर सूत्र। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ है शिवजी। महर्षि पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर शिवजी ने 14 बार अपना डमरू बजाया। उससे जो ध्वनि निकली वह 14 सूत्रों के रूप में है। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। 14 माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित हैं। अ ई उड़ रील रिक एवं अच हैवरट लण इमंगणनम झभय घड़ धस जब गढ़ दस ख फ छठ थ छ टत कप ससर हल। इसमें शुरू के 9 वर्ड ए अ ई ऊ री री ए ऐ ओ औ ये स्वर हैं और शेष इसके बाद जो है 33 वर्ण व्यंजन के हैं। प्रत्याहार, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात संक्षेप में करने की क्रिया को ही प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अ ई उड़ रील रिक एओं ए औच। इन 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर हैं, में से यदि अ को च से मिला दे तो अच प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। जैसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं आइए देखते हैं। अ ई ऊ री ली। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई ऊ री री ए ओ ए ओ। इसी क्रम में इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई ऊ री ली। इसी तरह से यड़ प्रत्याहार आदि प्रत्याहार है। वर्णों का उच्चारण स्थान एवं सूत्र। अब देखते हैं कि किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमारी जिह्वा जो है मुख के अनेकों भागों को स्पर्श करती है, उसी के आधार पर वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है कंठ। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? अ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग। इसका सूत्र है अकु विसर्जनीया नाम कंठ। अ से अ, कु से कवरपुरा, ह से ह और विसर्ग से विसर्ग। इससे आपको समझ में आ जाएगा, यदि सूत्र याद रहेगा तो किसे किसका उच्चारण स्थान होता है। तालु, तालु से ई च छ ज झ ञ और स। इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। ई से ई, चु से च वर्ग, य से य, स से स। मूर्धा, री ट ठ ड ढ ड र और श। इसका सूत्र है ऋतुर्षणाम मूर्धा, री टू से ट वर्ग र और श। दंत, री त थ द ध न ल और स। इसका सूत्र है ऋतुलसानाम दंता, री टू से त वर्ग ल और स। ओष्ठ, उ प फ ब भ म। उप पप धाम निया नाम ओष्ठो, उ उसे प वर्ग पूरा। नासिका, इमं गणना नाम नासिका। इसका सूत्र है कंठ तालु, ए ऐ। इसका सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठोष्ठ, ओ औ, ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। दंत ओष्ठ का उच्चारण स्थान वह है, अर्थात वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखिए संकेत में क्या बताया गया है। नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्रमशः तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ और दंत भी है। नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ और दंत से भी होता है।